साल 2018 की मोस्ट अवेटेड मूवी संजू 29 जून को सिनेमाघरों में हाजिरी लगाने वाली है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था जो कि वाकई दमदार था। संजू फिल्म के ट्रेलर में ना सिर्फ रणबीर कपूर की एक्टिंग ही अच्छी है बल्कि डायलॉग्स भी दमदार है। फिल्म में आपको संजय दत्त के जीवन के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। संजय दत्त के इस किरदार को रणबीर कपूर ने बेहद खूबसूरती से निभाया है। फिल्म का ट्रेलर देखकर तो यही लगता है कि यह फिल्म जबरदस्त सफलता हासिल करेगी और रणबीर कपूर को एक्टर के रूप में ऊंचाई पर पहुंचाएगी। रणबीर के अलावा अभिनेत्री सोनम कपूर इस फिल्म में टीना मुनीम, सुनील दत्त के रोल में परेश रावल, नरगिस के रोल में मनीषा कोइराला, लेखक के रोल में अनुष्का शर्मा और मान्यता दत्त के रोल में दिया मिर्जा नजर आएंगी। खबर थी कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित का किरदार भी देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये सामने आ रही है कि माधुरी दीक्षित से संबंधित सीन्स को फिल्म से निकाल दिया गया है। जी हाँ, इसीलिए ट्रेलर में भी उन्हें देखने को नहीं गया। वहीं सूत्रों की माने तो माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ अपने रिश्ते की हकीकत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती। यही वजह है कि उन्होंने कुछ संजय दत्त की बायोपिक संजू फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार ईरानी से कहकर एक खास सीन आउट करवा दिया है। सूत्रों की माने तो यह फिल्म का एक सीन शूट किया गया था जिसमें संजय दत्त जेल से में एक अभिनेत्री को फ़ोन करते हैं। ये अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हैं। फ़ोन अभिनेत्री की माँ उठाती और कह देती है कि अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। बता दें कि 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का अफेयर परवान चढ़ा। दोनों ने साजन फिल्म में साथ काम किया। उसके बाद तुरंत ये खबर आने लगी थी। जय दत्त ने पिछले साल एक इंटरव्यू में बात का खुलासा किया था कि वो किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से शादी करना चाहते हैं। वहीं संजय दत्त के बिना किसी हिचक के कह दिया कि वो माधुरी दीक्षित से शादी करना चाहते थे। संजय दत्त के जेल जाने के बाद वो दोनों की राहें अलग हो गई। बता दें कि डायरेक्टर अभिषेक बर्मन की फिल्म कलंक की घोषणा हो गई। इस फिल्म में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित 21 साल बाद साथ काम कर रहे हैं। दोनों आखिरी बार 1997 में रिलीज हुई फिल्म महानता में नजर आए थे। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली मूवी कलंक 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। तो देखना दिलचस्प रहने वाला है इतने सालों बाद इन दोनों की केमिस्ट्री साथ में कैसी लगती है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।